15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो पूरे देश में चल रही है और सरकार के द्वारा बड़ा ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो फिर से पूरे भारत में, पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 90,000 केसेस आए हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे पास 15 से 18 साल के जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले चुके हैं। ये ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिर मित्तल है। अभी आपने वैक्सीनेशन कराया? जी जी। कैसा लग रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जी मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बस हल्का सा हाथों में थोड़ा सा झंझनाहट सी होती है और मतलब सब सही लग रहा है बाकी। तो पहले वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं था, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सेफ अब आप रहेंगे? जी सर, अब तो कह सकते हैं सेफ ही हैं। अब तो वैक्सीन के बाद मालूम पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। जी, और बच्चे हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश है। आपको कैसा लग रहा है आप वैक्सीन करा के? अभी तो सही लग रहा है, वैक्सीन लगी हो तो अच्छी बात है, वरना उससे हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है आगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों के अंदर भी डर था, लेकिन अब वैक्सीनेशन हो रहा है। आपका क्या नाम? माय नेम इज साक्षी। साक्षी जी, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब हम भी सेफ हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो ये कदम उठाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा उठाया है और उठाना भी चाहिए था बस। अब अगर सेकेंड डोज की बात करें तो सेकेंड डोज के लिए कब बोला जा रहा है? अब पूछा नहीं अभी। जी, आपको कैसा लग रहा है, नाम बताइए। माय नेम इज सचिन। अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं और डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या पूरा प्रोसेस है। हम लोग ये फिलिस हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम लोग वैक्सीन के लिए एक फ्लोर पूरा रेडी किया हुआ है। फर्स्ट बच्चा आएगा तो फर्स्ट हम लोग प्री ऑब्जर्वेशन रूम में रख के उधर वाइटल्स वगैरह चेक करके पीडियाट्रिशियन देख लेंगे, उसके बाद बच्चा फिट है तो वैक्सीन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा वेट करवा के फिर बच्चे ठीक है, उसको कोई एलर्जी नहीं, रिएक्शन नहीं है तो फिर घर भेज देता।